और मैंने कोई वादा किया आपसे कि मैं वही करूंगी बस जो आप मुझसे कहेंगे? हाँ, वो तुम्हारा हीरो आदित्य कपूर, कुछ दिनों में तुमसे मन भर जाएगा उसका, डोरमैट की तरह इस्तेमाल करके सड़क पे फेंक देगा वो तुम्हें, और उसके बाद उस सिचुएशन में हम जैसे लोग काम आएंगे जो डोरमैट को उठा के साफ करते हैं, फिर घर पे रहने के लिए एक अच्छी जगह देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर जी, लेकिन कभी तकलीफ नहीं देना चाहती थी आपको, लेकिन आज तक मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि उस गंदी सड़क की डोरमैट को उठा के अपने घर में जगह दे, उसे बना दे अपने घर में। हाँ, तुम क्यों कहोगी, तुम्हारी जैसी लड़की कहती भी नहीं है। ऐसा करना हम जैसे लड़कों के खून में है, हम किसी को मुसीबत में देखते हैं ना तो उसकी मदद करते हैं बिना जाने कि वो इंसान कैसा है। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है, सब मुझसे सवाल कर रहे हैं, पूरी यूनिट वाले तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आप आजाद हो जाएंगे सर जी, ये तो ठीक है ना आपके लिए? या अभी भी आप चाहते हैं कि मैं रुकूं? मुझे रोकना चाहते हैं आप? You're disgusting, जनक। बस। अभी के लिए मैं disgusting हूँ। मुझे देख के घिन आती है, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए ना, क्यों पीछे पड़े गए आप? हाँ, और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूं बुला सकती हूँ अपने कमरे में उन्हें एंटरटेन करने के लिए।